सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, ए आर रहमान ने इस्लाम और नमाज के बारे में दिया बड़ा बयान और बताया कि वो अपनाया इस्लाम। जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। ए आर रहमान, जो आज दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं और भारतीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिला चुके हैं, लेकिन इनकी जिंदगी कोई आसान नहीं थी। हाल ही में उनकी बायोग्राफी नोट्स ऑफ ए ड्रीम, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ ए आर रहमान, इसको कृष्णा त्रिलोक ने लिखा है, जिसमें रहमान की मुश्किल दिनों का जिक्र किया गया है। अपनी बायोग्राफी की लॉन्चिंग पर रहमान से लोगों ने उनके धर्म परिवर्तन के बारे में पूछा। रहमान ने जवाब दिया, मेरे जिंदगी में कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद से मेरा इस्लाम धर्म पर अटूट विश्वास हुआ। इस मुकाम तक पहुंचना रहमान के लिए कुछ आसान नहीं था। रहमान का जन्म 6 जनवरी 1967 को एक हिंदू परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम एस दिलीप कुमार था। रहमान सिर्फ 9 साल के थे तब उनके पिताजी की मौत हो गई, जिसकी वजह से वे स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाए थे, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वे काफी उदास रहने लगे थे। कुछ सालों बाद 1989 में रहमान की छोटी बहन काफी बीमार पड़ गई। सभी डॉक्टरों ने कह दिया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। रहमान ने अपनी छोटी बहन के लिए मस्जिदों में दुआएं मांगी और जल्द ही उनकी दुआ रंग लाई और उनकी बहन ऊपर वाले की रहमत से स्वस्थ हो गई। इस चमत्कार को देख रहमान ने इस्लाम कबूल कर लिया। ए आर रहमान की बायोग्राफी द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक में यह बताया गया है कि कैसे एक ज्योतिषी के कहने पर उन्होंने नाम बदला। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बताया, उन्हें अपना नाम पसंद नहीं था। एक दिन इनकी माँ और बहन एक ज्योतिष के पास उनकी कुंडली लेकर गई। ज्योतिष ने उन्हें नाम बदलने की सलाह दी। फिर क्या था, नाम दिलीप कुमार से ए आर रहमान रखा गया। दरअसल ए आर इसलिए क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि उसमें अला रखा भी जोड़ा जाए। रहमान बताते हैं कि इस्लाम ने बहुत से गलत काम करने से रोका, क्योंकि जब भी वो नमाज अदा करने की सोचते तब उनका ख्याल होता कि अल्लाह के नजदीक जाने से पहले वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे, बस पूरा ध्यान खुदा की तरफ ही होगा। और इसका नतीजा यह निकला कि रहमान ऑस्कर पुरस्कार के अलावा रहमान को एक बाफ्टा अवार्ड, एक गोल्डन ग्लोब, 4 नेशनल फिल्म अवार्ड, 15 फिल्म फेयर अवार्ड और 13 फिल्म फेयर साउथ के अवार्ड मिल चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।